उत्तर प्रदेश विधान परिषद के विकास प्राधिकरण एवं निकायों आदि में व्याप्त अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के संबंध में समिति के अध्यक्ष नरेश चंद्र उत्तम सभापति की अध्यक्षता में जीडीए सभागार में संपन्न हुई। बैठक में निकायों और जिला पंचायतों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए नरेश उत्तम ने कहा कि शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पानी के कारण होने वाली बीमारियों के रोकथाम के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जाएं और इसके अलावा अन्य योजनाओं के संचालन में भी गुणवत्ता लाई जाए। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के विधान परिषद की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का बहुमत होने के कारण विकास प्राधिकरणों और जिला पंचायतों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है। बैठक के पश्चात गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए समिति के सभापति नरेश उत्तम ने बताया। नगर निगम से कौन है? पीके सिंह नगर है। हाँ, पुस्तकालय संचालित किए जा रहे हैं। विभिन्न चिकित्सकों कर्मचारियों की आवश्यकता अनुसार तैनाती है अथवा नहीं कर रहे इसका वहाँ भी सर कोई दिक्कत नहीं कर सकते। नगर पालिका और नगर पंचायत का भी पंचायतों में नहीं है नगर पंचायत नगर पंचायत से किसी गोरखपुर में सर नगर पालिका कोई नहीं है। नगर पंचायत पंचायतों के द्वारा कोई संचालन नहीं है। सी एस सी के अंतर्गत पाँच गाँव में सर नगर पंचायत अंतर्गत सी एस सी के अंतर्गत नगर पंचायत सीमा के अंतर्गत सी एस सी के अंतर्गत सी एस सी के सबसे कम वाले में अगर कोई आपको जानकारी हो तो काउंटिंग आप तो सर करेंगे होती है या नहीं सर? उनका सीन उनका जिम्मेदारी जो नगर पंचायत और नगर पालिका नगर निगम को होती है। तो गोरखपुर में जो पानी दूसरे पानी के बारे में बात होती है केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है बल्कि सभी क्षेत्रों में भी है। अभी आज भी मैंने मुख्यमंत्री जी का मैंने बयान पढ़ा है कि उन्हें चिंता पर विचार किया जाना है। तो जो चिकित्सालयों की स्थिति है कि वो पानी सप्लाई देते हैं पाइपलाइन द्वारा सप्लाई देते हैं या कहीं पर टैंक पंचायतों में कोई ऐसा प्राविधान है कि उसका भी हम किसी तरीके से परीक्षण कर लें क्योंकि अब बरसात आने वाली है। अब जब वो पानी होने लगेगा तो गंदा पानी छोटे स्टेटस पर चला जाता है। प्रावधान तो है सर, एक्ट में पूरा प्रावधान है या बायलॉज में पूरा प्रावधान है तो आवश्यक उसी के बाद कमीशन कर नगर पंचायतों में इंडिया मार्कर लगाने का आपको यहाँ प्रावधान होना पहले जो लगे उनकी जांच रूटीन की चलती है। रोड रोड पहले से लगे तो उनमें पानी को उपलब्ध होता है जैसे हम लोग की तरह हम लोग चलना करते हैं वहाँ पानी एक सौ के बजाय 250 चला गया तो वो पुराने उनमें नहीं है इसलिए वहाँ टंकियाँ लगा दी गई हैं। या टंकियाँ लगाने का योजना है तो क्या कहा है कि हम आता लगाए जाते हैं अनुबंध भले ही स्वच्छ हो साफ हो लेकिन लग जाते हैं वहाँ पर जो पानी होता है वो प्रदूषित है उसकी जाँच के लिए जल निगम क्या प्रावधान किया उसका पंचायतों में देखिए यहाँ पर विकास प्राधिकरण आवास विकास और नगर विकास नगर पंचायत जिला पंचायत से संबंधित जो समिति के सामने प्रकरण आए उन प्रकरणों की समीक्षा की गई उनकी जानकारी मौखिक ली गई उनकी लिखित दी गई और जो जानकारी कहीं कोई अधूरी है उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और उनको समय सीमा से बांधा गया है। उस तय समय सीमा पर वो अपना जवाब वहाँ पर भेजेंगे। जहाँ तक विशेष
बात इस समिति के माध्यम से गोरखपुर के जो प्रदूषित पानी है उस प्रदूषित पानी को शुद्ध करने के लिए क्या तरीके हैं, किस तरीके से उसे किया जाए। इस समिति ने जो यहाँ संबंधित विभागों के अधिकारी हैं उनसे कहा है कि बरसात आने के पहले आप जल की उपलब्धता और जल की शुद्धता का पूरा परीक्षण करा लीजिए, ताकि जिस तरीके से पिछले वर्षों में यहाँ प्रदूषित पानी पीने से लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, बीमार हो रहे हैं, जिससे गोरखपुर में एक बड़ी मतलब विभीषक स्थिति हो जाती है, वो स्थिति आने वाले समय में ना हो, इस तरीके का भी सुझाव समिति ने दिया है और संबंधित अधिकारियों को भी निर्देश दिया है कि समय रहते उसका जो है अनुपालन करा दें, ताकि जनता को इससे राहत मिले और आगे धन और जनहानि न होने। बाढ़ का विषय इस पर इसलिए नहीं है कि अब जो प्रकरण पहले से यहाँ निर्धारित थे उन निर्धारित प्रकरणों पर उन निर्धारित बिंदुओं पर चर्चा हुई है, और बाढ़ के बारे में मैं जिलाधिकारी महोदय से स्वयं बात कर लूँगा कि यहाँ बाढ़ की जिस तरीके की विभीषक स्थिति है तो वो स्थिति यहाँ पर किस तरीके से उसको चुनौती लेकर के पूरा किया जाए, ताकि लोग बाढ़ से पीड़ित लोगों को राहत मिले। शिक्षा और स्वास्थ्य के संबंध में बात हुई है, जो नगर पंचायत, नगर पालिका और विकास प्राधिकरण, आवास विकास से संबंधित बिंदु जो पहले से इस समिति के संज्ञान में थे उन पर चर्चा की गई है, और चिकित्सा शिक्षा ने चिकित्सा एवं शिक्षा और विशेष करके जल की उपलब्धता और जल की शुद्धता के बारे में बात की।